तो स्वागत है एक नई वीडियो में। आ रहा है मामा जी खेत पर, इनका कार्यक्रम पाइप पुल से लाने के लिए लगा हुआ है। तो पुल से पाइप ले आए 4 इंची के जे, अब बिछा रहे हैं ट्यूबवेल से पानी देने के लिए स्प्रिंकलर। अनुज भाई अपने, तो गाइस हम लोग फाइनली पाइप ला चुके हैं हमारे पुल के यहाँ से, तकरीबन 90 पाइप होंगे इसमें, और अभी ट्यूबवेल से बिछाने जा रहे हैं। 50-60 पाइप लगेंगे। 110 mm है जी, 4 इंची। खाली करने की सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, जो लोग जल्दी खाली हो जाएंगे, कुलाई शुरू कराएं। दूर कर लो पाइप खाली करने के सिस्टम। खाली 5 मिनट में ट्राली पूरी खाली हो गई। जी रखी अपनी गाड़ी, ये है ट्यूबवेल 1, 2, ये ट्यूबवेल से चरंगी चल रही है। जो चरंगियाँ लगा रहे हैं अनुज भाई, वे परतू ज़्यादा ला रहे हैं चरंगियाँ ढूंढो कर, शिफ्ट चेंज हो रही है, इधर से ला रहे हैं। भाई देख सकते हैं आप, ओस भरी हुई है अभी गेहूँ में, वो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं जी। फाइनली गाइस स्प्रिंकलर लग गए अपने, एलिमेंट लगा के सब लगा दिए हैं अपन ने। गेहूँ थोड़ा सा बिग रहा है इनका, जमीन दिख रही है। ये अपन पाइपलाइन बिछा रहे हैं 4 इंची ट्यूबवेल से दूसरे खेत के लिए। ये अपने टापरी वाला खेत है ना, इधर पानी देने के लिए, तो 4 इंची की लाइन बिछा रही है जी। पर तो कक्का ला रहे हैं पाइप। वो गाइस फाइनली लाइट आ गई, स्प्रिंकलर हुआ है चालू, चलने लगे हैं। गाइस जी अपन पाइप बिछा रहे हैं, तो जी अपन क्या है, एक आखिरी वाला खेत रह गया है गांव वाली खेती में। तो ये सरसों दिख रहा होगा, इसमें पानी नहीं हो पाया है दूसरा, तो इसमें दे रहे हैं अपन। जो पाइप अपन बड़े गांव वाले खेत पे से लाए थे वो बिछा रहे हैं। इधर पर जो चरंगियाँ निकल रही हैं, गोलू भाई खेत में पानी दे रहे थे अपन। आज फाइनली अपनी चरंगियों वाले मतलब सरसों वाले खेत में चरंगियाँ लग गई, स्प्रिंकलर ये एक दिख रही हुई, और सरसों की वजह से नहीं दिख रही हैं, इधर आखिरी तक लग गई यहाँ तक। जे पाइप कम पड़ गए थे तो अपन जो लेके जा रहे हैं लगाने के लिए, लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी अपनी। एक पाइप कम पड़ गया इधर, बाकी अपन 8 घर से लाए हैं अभी।